जैसा उनको आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एसके क्रिकेट में आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे आज का दिन, क्योंकि जिस तरह का आज का दिन गुजरा है पैथेटिक किस्म का पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। और मैं इतने गुस्से में अब ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं कुछ बोलना तो चाहता हूँ लेकिन ये मुझे यूट्यूब इस चीज़ से रोकती है कि मैं ऐसे कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। कहाँ पर है वो मैनेजमेंट, वो अप्रोच, वो चीज़ें जो हम कहते हैं कि हमारा मिडल ऑर्डर ठीक हो गया एक मैच के बिना पे। मुझे और मैं कुछ नहीं कहूँगा आज के मैच के बारे में, मैं सिर्फ यही बात करूँगा, मैं सवाल पूछूँगा सिर्फ पीसीबी से और जो मैनेजमेंट है उससे कि वो कहते हैं हमने टीम ठीक कर दी है, हमने बेस्ट प्लेइंग 11 खिला दी है और वो हम 130 रन नहीं बना सके। पहले तो बात करते हैं बॉलिंग पे, बॉलिंग चले ठीक है, उसमें शाहीन और शादाब ने तो बड़ा क्रूशियल बीच में बॉलिंग करके वहाँ पे उनको स्ट्रिक कर दिया 130 पे, तो उन्होंने भी तो 130 नहीं होने दिया। हमारा इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप जिसे हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप है जो हमारे मैनेजमेंट की नज़र में और बाबर की नज़र में है, वो कहते हैं हमारे पास मिडल ऑर्डर पे इफ्तिखार हैं, उसके बाद हैदर अली हैं, पता नहीं वो कब खेलेंगे, कब चलेंगे, चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, वो टीम से बाहर अब इस तरह ही हो जाएंगे। अब हमें ऐसी टीम नहीं चाहिए जो हमें शुरू के देने पहले पहला मैच इंडिया के खिलाफ उसमें हम बुरी तरह हारे, हमने कुछ नहीं बोला और मैंने तो खास तौर पर अपने चैनल पर यहाँ पर कुछ नहीं बोला, ठीक है। और आप इस बात के गवाह मेरी पुरानी वीडियो निकाल के जाके देख लें, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज का मैच जो जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए, ये तो हमारे लिए मेरा क्या पूरे इस टाइम पाकिस्तान का इस टाइम दिमाग सातवें आसमान पे होगा और वो सारे तपे होंगे इस टाइम कि ये इतनी बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा। मैं अपना काम छोड़ के मैं बैठ के आज मैच देख रहा था बस, तो मैच देख रहा था कि चले आज मैच देख के आज थोड़ी सी उस खुशी को जो है जो काफ़ी देर से छुपी थी इंडिया के मैच के बाद हम इस तरह इंजॉय नहीं कर सके थे, तो मैंने सोचा था कि आज जिम्बाब्वे का जिस तरह मैच जीत मिलेगी थोड़ा सा अपना मूड अच्छा होगा और हम इस तरह थोड़ा सा सेलिब्रेट भी करेंगे। जिम्बाब्वे जैसे टीम से हार गए, पता नहीं रैंकिंग में कौन से नंबर पे आती है हमें तो ये भी नहीं पता। हम ऐसी टीम से हार गए हैं जो कि कोई इसमें बड़ा नाम ही नहीं है और उन्होंने अपने 130 वहाँ पे अपना डिफेंड कर लिया। ऐसी टीम के सामने हम बिल्कुल ढेर हो गए, कोई बैट्समैन नहीं, बाबर आजम वही लू शॉट मार के 4 रन पे आउट हो गए, रिजवान पता नहीं क्या इंटेंट शो करवा रहे हैं, वो भी पूरे टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नीचे से शान थोड़ा सा खेलते हैं या इफ्तिखार पहले मैच में खेले थे, इफ्तिखार पे अब क्या करेंगे, उन्होंने कहना कि अब पहले मैच में तो कर दिया, उसकी तो ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब बाकी प्लेयर्स भी तो खेलने आए हैं, वो क्या करने आए हैं टीम में। तो ये सब मैनेजमेंट से हम सवाल पूछेंगे, आप ही मेरे इस चैनल के थ्रू कमेंट के जरिए हम उन तक पहुँचाएँगे ये कि हमें इस तरह का जो मूवमेंट जो हमें आज दिखा दिया, जो हमारे लिए इस टाइम सैडनेस हमें जो इस टाइम फील हो रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इसका मुतालबा चाहिए। बाबर आजम अगर नहीं कर सकते तो खुदा का वास्ता कप्तानी छोड़ के साइड पे बैठ जाओ, और बहुत अच्छे हैं बीच में टीम में जो कप्तानी का रोल अदा कर सकते हैं, अगर हमें नहीं करके देना आपने, मेरे से बोला नहीं जा रहा है इस टाइम, इतना दुखी कर दिया एकदम से मैच देख के यार, हमें इस तरह की टीम एकदम से बन जाते हैं कि कभी किसी टीम को हम 10-10 विकेटों से हरा देते हैं और कभी इतना कि हमें जो पता नहीं रैंकिंग में भी टॉप 10 में भी नहीं होगी मेरा ख्याल है जिम्बाब्वे, तो हम उससे भी हार गए। तो इस तरह की हम मैचेस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एज ए क्रिकेट लवर पूरी पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस टाइम वो भी गुस्से में होंगे। मैं तो चलो चैनल पे आ गया, यहाँ पे अपना गुस्सा और बर्दाश्त निकाल लूँगा, वो क्या करेंगे, अभी तो और यूट्यूबर्स बैठेंगे वो भी अभी क्रिटिसाइज़ करेंगे, मैं तो उस मैं पर्सनल अटैक किसी पर नहीं करता, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमें टीम परफॉर्मेंस चाहिए, हम चाहते हैं कि टीम परफॉर्मेंस हमें नज़र आए। एक जो प्रैक्टिस करते हैं 3-3 दिन प्रैक्टिस आज चलते हैं और 130 दिन ना आ सकते हैं यार, क्या करने के लिए आए हैं टीम में आप, क्या आपकी अप्रोच है, वही टुक टुक बैटिंग करनी है, शान वो भी टुक टुक है, रिजवान भी वो भी टुक टुक खेलते हैं, जब दिन अच्छा चले जब दिल कर रहा हो बैटिंग करने का तब छक्के मारते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हम मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, मुखलिस कैसे हैं आप अपने इस लेवल पे आ गए, अपने कौम को मजरूह करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप उनका डाउन कर देते हैं बिल्कुल ही, अपनी पूरे पाकिस्तान का पूरे अपने नेशन का आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। हमें ऐसा कि ऐसी टीम नहीं चाहिए, हम मुतालबा करते हैं पीसीबी से कि क्रेडिबिलिटी लेके आए टीम में प्लीज़, और अकाउंटेबिलिटी करें इनकी कि भाई आपने आप गए क्या परफॉर्मेंस, ठीक है आएंगे वही 2-4 सवाल पूछेंगे, अब कोई चांसेस नहीं है सेमीफाइनल में जाने का, वही फिर अगर ये हार जाए ये जीत जाए या बारिश हो जाए, हमने ये हम हर टी20 हर वर्ल्ड कप में हमने यही सोचना होता है बस,
हम कभी क्वालिफाई नहीं करेंगे वैसे टॉप फोर के लिए, कि अगर उधर हार जाओ उधर से जीत जाए वो वाली टीम, इस तरह हार जाए वहाँ बारिश हो जाए उस दिन, तब जाके हम यहाँ पे कर लेंगे ठीक है। तो हम इस तरह की क्यों इंटेंट शो नहीं करवाते कि हम वाकई वर्ल्ड कप खेलने आए हुए हैं इस टाइम। मैं बहुत इस टाइम हार्ट फेल हुआ हुआ इस टाइम, और बहुत इस टाइम मैं डिसहार्टेड हूँ यहाँ पे, और मैं बैठ के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी जब भी मैच खत्म हुआ ही है। यार कैसी पथेटिक सोच है, कैसी कैप्टनसी है। वहाँ पे जहाँ पे विकेट्स गिरना शुरू हो गई थी वहाँ पे नवाज को ऊपर भेज देते, शादाब को ऊपर भेज देते, शान मसूद का वहाँ पे क्या काम था, शान मसूद ने आगे क्या कर दिया वहाँ पे, वसीम जो वहाँ एक चौका नहीं एंड पे नवाज से लग रहा था, नवाज साहब वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे आखिरी ओवर्स में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर दोबारा बात करते हैं, अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही है। तो अगली वीडियो पे आता हूँ उस पर दोबारा फिर एक डिटेल के साथ बात करेंगे कि जो परफॉर्मेंस निकली और जो सेमीफाइनलिस्ट, अब तो इसका ख्वाब अपने जहन से निकाल दे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है, वो कोई चांसेस बन गए तो वो उस पर भी अपडेट करते हूँ, तो अगली वीडियो में कर दूँगा। तब तक अपने अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके राय है जिस तरह आप जिस तरह डिसहार्टेड हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं तो बहुत डिसहार्टेड हूँ आज, मेरे से बात नहीं हो रही, मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगा दोबारा करूँगा। ये मैं फिलहाल उन लोगों के लिए है कि शायद उनको ये वीडियो मिले, उनके पास ये चली जाए तो उनको थोड़ी शर्म आए, कि मैनेजमेंट को थोड़े से तो पता लगे यार हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, सकलैन साहब टीम की जान छोड़ दें। हम चाहते हैं कि हमें कुछ हमारी भी टीम वैसे चले जैसे ऑस्ट्रेलिया की चलती हैं, हम नहीं इस तरह रोज़ रोज़ रील हो सकते, हम रोज़ रोज़ इस तरह नहीं बात कर सकते कि भाई मैं क्रिटिसाइज तो करने आया ही नहीं इस यूट्यूब पे, मैं तो एक ऑथेंटिक बात करने आया था, लेकिन जब इस तरह की परफॉर्मेंस देखूँगा तो मैं क्या कहूँगा, ये आप भी समझदार है मैं क्या कहूँगा यहाँ पे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।